किसी भी वर्ड को देख के यूं पहचान सकते हैं कि वो नाउन है भी या नहीं। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि नाउन को एक सेकंड में चुटकियों में कैसे पहचाने। तो देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई टी वाई मिले तो समझिए वो नाउन है। जैसे इक्वालिटी या आई टी वाई, क्वालिटी नाउन है। किसी वर्ड के लास्ट में आई सी ई मिल जाए तो इसको हम लोग कहेंगे नाउन। जैसे प्रैक्टिस, एडवाइस। किसी वर्ड के लास्ट में अगर टी एच आ जाता है तो उसको भी हम लोग नाउन मानेंगे। जैसे वेल्थ और हेल्थ। किसी वर्ड के लास्ट में अगर टी आई ओ एन आ जाता है तो इसको भी हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे नेशन, फॉर्मेशन, इमोशन। वैसे ही अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको हुड मिल जाए, एच डबल ओ डी हुड मिले, तो भी ये नाउन का काम करेगा, ये नाउन होगा। जैसे ब्रदरहुड, चाइल्डहुड। ऐसा ही जब किसी वर्ड के लास्ट में मेंट मिलता है, एम ई एन टी मेंट मिलता है, तो भी इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे एग्रीमेंट, ट्रीटमेंट। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी यू डी ई मिलता है, ट्यूड मिलता है, तो इसको भी नाउन बोलते हैं। जैसे एटीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और जब किसी वर्ड के लास्ट में टी यू टी ई मिलता है तो भी ये हमारा नाउन ही कहलाता है। जैसे सब्स्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आपका, किसी वर्ड के लास्ट में अगर ए एन सी ई मिले या ई एन सी ई मिले तो इसको भी हम लोग नाउन मानेंगे। जैसे इम्पोर्टेंस, इंटेलिजेंस। इसमें ए एन सी ई मिला, इसमें ई एन सी ई मिला। आखिरी है, जब किसी वर्ड के लास्ट में नेस मिले, एन ई डबल एस नेस, तो भी वो नाउन होगा। जैसे ग्रेटनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस। तो इस तरह से आप किसी भी नाउन को देख के यूं पहचान सकते हैं। इस तरह के और भी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।